के बारे में, यानी कि आपके बारे में, और करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात आज हम करने वाले हैं इंजीनियर शुभम नागपुरे सर के साथ। तो वेलकम शुभम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। तो आज दोस्तों, आज हम लोग पूरा, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि नगर निगम का पास कैसे पास करते हैं हम लोग, उसकी जितनी भी जो भी नक्शा, जो हम लोग सबमिशन ड्राइंग बोलते हैं, वो किस तरीके से हम लोग महानगर पालिका या फिर नगर निगम हो गया, तो उसको कैसे पास करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को पूरा हर एक चीज़ विद डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मैं शो करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच शुभम सर। सो इंजीनियर्स, जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए, मेरे फ़ोन में आपके कमेंट्स तैयार हैं, जो भी सवाल आपको हमसे पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज स्पेशली शुभम सर आए हैं। देखो यार, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इंजीनियर्स को कि यार नगर निगम से ड्राइंग पास कैसे करवाएं, क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, कैसे पास होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह के फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। ये सारे सवालों के जवाब आज देखिए इंजीनियर शुभम नागपुरे सर आपके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं और हर सवाल का जवाब देते हुए आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उसी के साथ आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि यार नगर निगम से लाइसेंस कैसे बनवाऊं यार काम करवाने का। तो ये जो सारा पार्ट है, ये जो सारी जानकारी है आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है यार, तो लाइक कर दो, लाइक कर दो, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बिना आज का नॉलेज लिए मत जाना, पेन कॉपी जरूर ले लो, है कि नहीं शुभम सर? आज के लिए पेन कॉपी जरूरी है, आपके जरूरत है बहुत ज्यादा, अगर नहीं किए बहुत पछताओगे। तो शुभम सर बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाले, पेन कॉपी लेकर सारे डिटेल्स ले लो, हर एक चीज लिख लो, लाइनअप कर लो। और आपके कमेंट्स देखते जा रहा हूं भैया, लाइक किए बिना मत जाना, लाइक जरूर करना। आपके कमेंट्स लेते हैं, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। कभी भी फुल पे करने के बाद कॉस्ट प्रोफेशनल लाइफ टाइम के लिए मिल सकते हैं। यार कॉस्ट प्रोफेशनल तो यार आप ही लोग के लिए बना है, जिसको ट्रेनिंग करना है जाओ कॉस्ट प्रोफेशनल ज्वाइन करो, ट्रेनिंग करो, करियर में आगे बढ़ो। तो शुभम सर, सबसे पहला सवाल, हमारे साथ अभी लगभग 50 के आसपास इंजीनियर जुड़ गए, तो सबसे पहला सवाल ये आपसे जानना चाहूँगा कि सर, जब एक घर की ड्राइंग बनती है और उसको अप्रूव करवाने के लिए किस किस तरह की परमिशन लगती है, पहले तो आप ये बता दीजिए, और किस किस तरह की परमिशन के बाद उसका प्रोसेस क्या होता है पास करवाने का, इसके बारे में थोड़ा इंजीनियर्स को गाइड करिए। ओके, तो सर ने जो दो क्वेश्चंस करे वो दो क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा, पर इसमें एक क्वेश्चन स्किप हो गया है कि पहले लाइसेंस कैसे मिलेगा, लाइसेंस ही नहीं रहेगा तो ये सब, ये सवाल, इसका जवाब हम इंजीनियर्स को लास्ट में देंगे, क्योंकि अच्छा। ये ताकि ये रुके रहे हमारे साथ, बैठे रहे, और लाइसेंस कैसे बनता है इसका जवाब लास्ट में देंगे। चलो ठीक है, फिर जैसे आकाश सर बोल रहे वैसे ही होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बिल्डिंग परमिशन के डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगते हैं, ठीक है? तो सर डॉक्यूमेंट्स सबसे पहला दोस्तों हम लोग का डॉक्यूमेंट होता है वो आता है आपका रजिस्ट्री। सबसे पहले आप लोग को अपने उस प्लॉट का रजिस्ट्री कराना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो रजिस्ट्री सर दिखा दीजिए यहाँ पे किस तरीके से रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी रजिस्ट्री है, यहाँ पे आपका बेचने वाले का नाम लिखा रहता है, जो खरीदार होता है उसका नाम रहता है, और साथ ही साथ ये कितने की रजिस्ट्री हुई सारा इसमें पूरा डिटेल्स दिया रहता है। ये इस तरीके से नोटरी होती है, यहाँ पे सारे जितने भी चीज़ लिखे रहते हैं सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे पूरा नोटरी कराया जाता है, ठीक है? और ये रजिस्ट्री के बाद होती है आपकी ऋण पुस्तिका। तो ये होती है ऋण पुस्तिका, ऋण पुस्तिका का मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए सैंपल ला लिया है, पर ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं सोचना कि डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ठीक है? इस तरीके से ये ऋण पुस्तिका मिलती है, ठीक है? फिर ऋण पुस्तिका के बाद होता है हमारा खसरा नक्शा, ठीक है? खसरा नक्शा के लिए हम लोग को ये इस तरीके से कुछ पावती मिलती है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ TC7, इस तरीके से हम लोग को एक छोटी सी पावती मिलेगी जो कि हम लोग को चॉइस सेंटर, ठीक है, जो कि हम लोग को चॉइस सेंटर से मिलता है। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से मिलेगा, ये तो मिलेगा, आप कहीं भी कोई भी चॉइस सेंटर में जाओगे तो ये देगा। उसके बाद एक और आपको फॉर्म देता है, जिस वो फॉर्म का नाम होता है आपका B1P2 फॉर्म, ठीक है? इसका ज़्यादा चार्जेस नहीं है, एकदम रिजनेबल रेट रहता है, जो कि आप लोग आसानी से खर्चा कर सकते हो, ठीक है? फिर आपका होता है, ये तो हो गया आपका खसरा नक्शा। फिर आता है आपका दोस्तों डाइवर्जन, ठीक है? अब ये डाइवर्जन के लिए क्या होता है, आपको इसके लिए आपको डाइवर्जन, हाँ थैंक यू सर इधर दिखाने के लिए, आराम से सर, हाँ डाइवर्जन फॉर्म भी आप लोग को सबमिट करना होता है। डाइवर्जन फॉर्म के लिए आप लोग को कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के सामने में एक तो कलेक्ट्रेट का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपका डाइवर्जन फॉर्म। अभी डाइवर्जन फॉर्म क्या होता है, अगर वो आपकी ज़मीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आती है, मतलब कि वही जो खेत वाला होता है, अगर उसमें आती है तो आपको डाइवर्जन फॉर्म भरना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके,
तो डाइवर्जन फॉर्म होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लैंड यूज़, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सारे को लिख लो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लैंड यूज़ का भी आपको फॉर्म जमा करना पड़ता है, जो कि आपका वहीं चॉइस सेंटर में होता है। ये आप देख सकते हो, ये लैंड यूज़ का हमारा ई चालान कटता है, जो कि कितने का होता है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का, समझे। ये 50 रुपये का आपका ई चालान कटता है, ठीक है, जो कि इसमें ये जो लैंड यूज़ का, सर इधर दिखा दीजिए ऊपर, हाँ, जो लैंड यूज़ का जो अपना होता है ना, उसमें अपने को 10 दिन लगता है, मिनिमम 10 दिन तो लगते ही, 10-15 मोटा माटी मान सकते हो, ठीक है। इधर सर आप आगे हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो होता है आपका NOC, ये NOC के लिए हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जैसे दिखाता हूँ, पहले NOC के लिए हम लोग को जो नूजल बोलते हैं ना, नूजल फॉर्म भी होता है, नूजल फॉर्म के लिए आप लोग को यहाँ पे एक लेटर देना पड़ता है। पहले आप नूजल अधिकारी को लेटर लिखोगे कि सर ये है विषय रहेगा, इतने मतलब ये वाले एरिया में मुझे ये करना है, यहाँ पे आपका पूरा नाम रहेगा, ये सब ओरिजिनल है, ये डॉक्यूमेंट, वो ऐसा मशीन कि हम लोग कहीं से ला लिए, सब ओरिजिनल है, इसमें सारे डिटेल्स आप लोग को भरने पड़ेंगे। ये तो पहले रहा आपका, उसको लेटर मतलब जो नूजल अधिकारी होगा उसको लेटर लिखने का ये फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रहता है एफिडेविट, वो एफिडेविट बढ़ाएगा आपसे, एफिडेविट का कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। एफिडेविट के चार्जेस के बाद ये एक फॉर्म होता है जिसमें नाम लिखा है इनडेमिनिटी बॉन्ड, ये भी आपसे एक फिल कराएगा जब आप लोग नूजल फॉर्म भरोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में NOC, ओके। और यहाँ पे जो लास्ट है, लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे है मेरे पास आदेशिका तलवाना फॉर्म, ये भी होता है। ये जितने भी आपको मैंने दिखाया नूजल वाला, NOC, ये सब एक ही है। NOC शॉर्टकट में बोलते हैं, अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो वो नूजल कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, कितने टोटल मैंने अभी तक आप लोग को बता दिया, रजिस्ट्री, ऋण पुस्तिका, खसरा नक्शा, डाइवर्जन, ये चार हुआ, लैंड यूज़ पाँचवा, छठवा होता है आपका नूजल NOC। अब लास्ट जो होता है वो आपका होता है यहाँ पे, इधर आ जाइए सर, दिखाइए यहाँ पे संपत्ति कर रसीद, नाम बहुत वो लगता है, संपत्ति कर। अभी संपत्ति कर क्या होता है आप लोग ही बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, संपत्ति कर मतलब क्या होता है, बताइए, मैं देख रहा हूँ कमेंट सभी। संपत्ति कर क्या होता है, संपत्ति और कर, कर वही जो मोदी जी ले रहे हैं, संपत्ति जो आप मेहनत करके कमा रहे हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहने वाले हैं हम, संपत्ति कर, कमेंट करके बता दीजिए। 5 सेकंड कर रहा हूँ, 5। टैक्स, शुभम सर कह रहे हैं सर टैक्स, किसका टैक्स भैया, किसका टैक्स, 5 गिनती करूंगा, 1। लैंड एरिया प्रॉपर्टी टैक्स, अरे टैक्स, शानदार, मतलब आप लोग समझते हैं, ये संपत्ति कर थोड़ा सा हिंदी वर्ड है, तो अपन थोड़ा सा ट्रेंडिंग वाले हैं, तो किसी को लगता है कि इनकम टैक्स, अरे इनकम टैक्स ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इनकम टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो ये हम लोग का होता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये मैंने आप लोगों को कितना बता दिया, टोटल 7 डॉक्यूमेंट, ये 7 डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको ड्राइंग सबमिट पास कराने के लिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें हम लोग का 2 टाइप के परमिशन होते हैं, एक प्री अप्रूवल होता है और दूसरा होता है आपका पोस्ट अप्रूवल। तो ये मैंने आपको जो 7 डॉक्यूमेंट बताया ना दोस्तों, ये आपके प्री अप्रूवल, अगर जैसे अपन हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, वो हमारे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक नया क्राइटेरिया लाया है, ये प्री अप्रूवल को अपने को पास कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना लगता है पता है, 1 रुपये, 1 रुपये लगता है हम लोग में सर, 1 रुपये। ये हमारा अभी भूपेश जी हमारे ऐसे कर दिए हैं, 1 जनवरी 2022 से ये लागू हुआ है, जितने भी आपके प्री अप्रूवल फ़ी है वो 1 रुपये लगते हैं, बस 1 रुपये। अगर कोई भी इंजीनियर बोलता है कि सर इतना लगेगा उतना लगेगा, समझ लो ठग है, ठीक है। मैं बाकी कौन कौन से जो प्राइस, क्या क्या रेट्स है, किन किन चीज़ों का, अगर आप इंजीनियर्स को बता पाए अधिक जानकारी के लिए कनेक्ट करो सिविल गुरु जी को। इधर आ जाइए सर, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए। सबसे पहले मैं यहीं से दूर से दिखा देता हूँ, ये है हमारा मेनू कार्ड। अब जो मैंने आप लोग को बताया था ना प्री अप्रूवल, और प्री अप्रूवल के बाद आता है आपका पोस्ट अप्रूवल। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप लोग को, प्री अप्रूवल बताया, ठीक है। अब आप लोग को क्या, हम लोग का टॉपिक क्या है, सबमिशन ड्राइंग कैसे सबमिट करना है। तो जो प्री प्रोसेसिंग, प्री अप्रूवल जो मैंने बताया, वो आपको ऑटोकैड में
एक हमको सॉफ्टवेयर नगर निगम देता है टीपी क्लाइंट। ये टीपी क्लाइंट ऐसे सबको नहीं मिलता, जो जिसको लाइसेंस मिलेगा उसी को टीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर मिलता है। आप कहीं से गेट इनटू पीसी कर लो या जो भी अनाप शनाप जो भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट है वहाँ से करोगे नहीं मिलेगा। ये आपको नगर निगम खुद डाल के देता है कि सर आप इसमें यूज़ करो, ठीक है। तो ये टीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपके ऑटोकैड में पहले से प्री डिफाइंड प्लगइन बन जाता है, ठीक है। तो वो प्री डिफाइंड टीपी क्लाइंट में ये जो मैं प्री डिफाइंड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया ना 6-7 टोक, वो सारे अपलोड होते हैं। फिर वहाँ पे अपलोड होने के बाद एक अधिकारी आता है नगर निगम से, अधिकारी बोले आपने इतनी सारी जानकारी दे रहे आप इंजीनियर्स को। अगर मैं बात करूँ कि इंजीनियर्स को आपसे पर्सनली ये सारी चीज़ सीखना है और समझना है कि वो कैसे इस चीज़ को एक सीक्वेंस में एक साथ अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, फिर कैसे आपसे सीख सकते हैं सर? सिविल गुरुजी, जय सिविल गुरुजी। आप लोगों को जो सीखना है दोस्तों, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, सिविल गुरुजी www.civilguruji.com में आइए। आप लोग को ऑटोकैड कोर्स में हर एक चीज़ पढ़ाया गया है, बेसिक से लेके सारे एडवांस चीज़। आप लोगों को कमांड, ऐसा नहीं कि हम लोग 10 ठोक, क्योंकि ऑटोकैड में आप लोग सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब भी जानते हैं। ऑटोकैड में इतने कमांड है कि हमारी इतनी मोटी मोटी बुक भर जाएगी मगर कमांड ख़त्म नहीं होंगे। तो हम लोग बस 10-15 कमांड में आपका पूरा कमांड आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ ही जो जितना बिल्डिंग परमिशन बताया गया ना, कितने आपको सेटबैक छोड़ने रहते, क्योंकि आपका जैसे अगर 40x60 का घर है, प्लॉट एरिया है, तो पूरा का पूरा तो बनता नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, या फिर आप कुछ लोग जानते होंगे कि कुछ कुछ परसेंट में हम लोग को घर बनाना रहता है, तब हम लोग को परमिशन वहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब वो कैसे होती है, कितना छोड़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ पे छोड़ना है, कॉलम कितने साइज़ का बनेगा, बीम कितने साइज़ का बनेगा, तो इसके लिए आप लोग को हमारे वेबसाइट में आने होगा। क्या है हमारे वेबसाइट? www.civilguruji.com, ठीक है सर? इतना बराबर है एकदम सर। थैंक यू सो मच सर। और सर फाइनली, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इंजीनियर्स आई नो ये चीज़ें एक बार में ग्रैब करना थोड़ा सा टफ है। देखिए अभी देखो हमारी पूरी की पूरी टीम वहाँ डिस्कशन कर रही है, प्लानिंग कर रही है, तो मैं भाई पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब यहाँ ध्यान दें। शुभम सर बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाले हैं आप लोगों को भी, और साथ ही साथ आप भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिए। और ध्यान दीजिए कि भाई लाइसेंस बनवाने के लिए आप कहाँ पर लाइसेंस बना सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, और कैसे लाइसेंस बनवाते हैं जिससे कि आप अपना काम चालू कर सके, वो आप शुभम सर आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए शुभम सर, सब कुछ लिखते जाना, मैं बराबर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने को लाइसेंस कैसे मिलता है, जो बी वाले है या बीटेक वाले है उन लोग को, आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताओ तो किस टाइप का लाइसेंस हम लोग को मिलता है। पहले अपन इंजीनियर है, इंजीनियर लोग को किस टाइप का लाइसेंस मिलता है सर? थोड़ा टाइप समझा दे, टाइप बोले तो। टाइप बोले तो अगर हम लोग को बहुत बड़े बड़े टाउन प्लानिंग करनी है, या फिर रेजिडेंशियल हो गया मतलब छोटे मोटे घर, टाउन प्लानिंग हो गया मतलब बड़े बड़े घर, ब्रिज आता है उसमें, सब बड़े बड़े चीज़, इस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बार कमेंट करके बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ, इधर करो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, सभी इंजीनियर्स आई गेस, किस टाइप का लाइसेंस आपको बनवाना होता है इंजीनियर्स, कमेंट करके बताइए। CPWD बोल रहे सर, प्रशांत त्रिपाठी जी ने CPWD बोला, अच्छा। और बताइए किस टाइप का लाइसेंस आपको लगता है कि ये बनता है आप लोगों के लिए, किस टाइप का लाइसेंस सर? लेट नहीं करते आप, इंजीनियर्स को आप ही गाइड कर दीजिए। ठीक है मैं बोल देता हूँ, आप सर बोल रहे हैं। तो हम लोग जैसे इंजीनियर हैं, बी वाले बीटेक वाले हैं, ठीक है। तो जो बी वाले होते हैं और बीटेक वाले होते हैं उन लोगों को मिलता है रजिस्टर्ड इंजीनियर का लाइसेंस मिलता है, रजिस्टर्ड इंजीनियर, ठीक है। ये लाइसेंस मिलता है हम लोग को बी या बीटेक वाले को, ठीक है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है। अंकित सर थोड़ा इधर आइए, इनको दिखाते हैं लाइसेंस किस तरीके। अब मैं आप लोगों को जो दोस्तों लाइसेंस दिखाने वाला हूँ ना, ये ओरिजिनल लाइसेंस है, इस तरीके से लाइसेंस मिलता है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ओरिजिनल लाइसेंस है, ओरिजिनल लाइसेंस का यहाँ पे फोटो कॉपी लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे लिखा हुआ है या अनुज्ञप्ति इंजीनियर नेम, यहाँ पे इंजीनियर का नाम, जैसे कि मेरा नाम है शुभम नागपुरे, तो यहाँ पे लिखा रहेगा शुभम नागपुरे सन ऑफ, अगर कोई भी लड़की होगी तो वहाँ पे डी डॉटर ऑफ लिखा रहेगा, तो सन ऑफ, फादर्स नेम, यहाँ पे अपने पप्पा पिताजी जी का यहाँ पे नाम रहेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे एड्रेस लिखा रहेगा। ये तो हमारा हो गया नाम, अपना नामकरण का। फिर जैसे कि मैंने बताया टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे दिया टर्म्स एंड कंडीशन,
यहाँ पे मैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बोलूंगा, मैं कुछ ही बोलूंगा। जैसे कि अपने अपन इंजीनियर है तो इंजीनियर को यहाँ पे 500 वर्ग मीटर आपका 500 स्क्वायर मीटर तक हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी हाइट होती है मंजिल कितना 11 मीटर तक हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों आप लोग का इंजीनियर लाइसेंस, ठीक है, रजिस्टर्ड इंजीनियर लाइसेंस। ओके, अब जैसे एक और चीज़ मैं बस एक सर बिल्कुल सर 500 मीटर के ऊपर बनाना है तो उसके लिए आर्किटेक्चर लाइसेंस लगता है, ठीक है। और यहाँ सर बिल्कुल सर रेट डिस्कस करिए, बताइए। अब हम लोग कोई भी होटल जाते हैं तो वहाँ पे होटल वाले हम लोग को मेन्यू कार्ड दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेन्यू कार्ड है, ये हमारे ऑफिसर नगर निगम नगर पालिका महानगर पालिका ये सबका क्या है मेन्यू कार्ड है। यहाँ पे अपने को खाने का लिस्ट दिया है तो ये हम लोग को खाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर हमको ये वाला नहीं खाना है, ये मन नहीं कर रहा है, खाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सर अगर इंजीनियर्स को अपने लोकेशन के सारे रेट्स वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं या पता कर रहे हैं तो कहाँ से कर सकता है? जब तक उसके पास सर लाइसेंस नहीं होगा नहीं मिलेगा। ये लाइसेंस जब मिलता है तभी उसको उसके एरिया के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को वो मिलता है, क्या बोलते हैं, रेट, परमिशन रेट, बिल्डिंग परमिशन रेट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेट्स हैं, आप लोगों को सब बताने वाला हूँ। अगर इंजीनियर्स को अगर अपने एरिया के बारे में जानकारी लेनी है तो उनको कहाँ विजिट करना चाहिए? नगर निगम, नगर निगम में आप जाएंगे वहाँ पे आपका हेल्प डेस्क रहता है, वहाँ पे पूछिए कि मैं इस एरिया में बिलोंग करता हूँ तो मुझे कौन सा लाइसेंस और मेरे एरिया का कितना रेट चल रहा है, तो वो आपको बराबर से हर चीज़ बता देंगे। सर क्या होता है इंजीनियर्स को लगता है कि यार मुझे करना तो है, मुझे लाइसेंस तो चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा घबराते हैं कि यार कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, क्या बात करूँ, पता चलेगा नहीं पता चलेगा, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको तो सर मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी क्या किया था कि मैं बहुत कंफ्यूजन था, मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था, मैं डायरेक्ट चुपचाप से मेरे बाजू में ही नगर निगम है वहां गया तो मैं बस वहां पे सामने में ही बड़ा सा लिखा रहता है हेल्प डेस्क सॉरी हेल्प डेस्क रहता है, वहां पे जाओ आप उनसे जो आपके मन में है जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे पूछ लो कि सर मुझे ये 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 करना है तो मैं क्या करूँ बताइए मुझे। वो लोग सब हेल्प करते हैं, ए टू जेड सर, ए टू जेड हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच शुभम सर सारी जानकारी के लिए। सो इंजीनियर्स अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोफेशनल के साथ, जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हर एक पार्ट जैसे कि ऑटोकैड, रेविट, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, लूमियन, वीरे हैंडस्केप जैसे सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्रैक्टिकल में एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, DPR, सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, क्वालिटी टेस्ट एंड रिपोर्ट, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल ट्रेनर्स के द्वारा। लेकिन करना क्या है, कॉस्ट प्रोफेशनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल करके हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं 9111001234। फोन उठाओ, कॉल लगाओ 9111001234 पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और भी सारी जानकारी वहां पर ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर शुभम सर हमारे साथ आने का और इंजीनियर्स के साथ इतना सारा इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर करने का, थैंक यू सो मच आपके लिए। थैंक यू सो मच। और आप लोग ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होता है ना उसको याद कर लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी, यही पूछता है और यही है। और आप लोगों को अगर और जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर। एंड यार आप लोगों के लिए एक प्रशांत त्रिपाठी ने एक कमेंट किया कि भाई CBRE में रिक्वायरमेंट निकली, आप ट्राई कर सकते हैं। अभी CBRE क्या है यार उतना तो मुझे नहीं पता, तो CBRE में रिक्वायरमेंट निकली भाई, आपकी हेल्प कर रहे हैं तो जाइए ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।